awesome screen, awesome camera, long lasting battery life. Awesome screen, awesome camera, long lasting battery life. एक ऐसा फोन जिसमें आपको डिस्प्ले डिजाइन और बैटरी बैकअप का अच्छा कॉम्बिनेशन मिले, या फिर एक ऐसा फोन जिसको आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर सको और आपको कोई प्रॉब्लम देखने को ना मिले। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम सैमसंग की तरफ से एक ऐसा ही स्मार्टफोन के बारे में रिव्यू करने वाले हैं जिसमें आपको 4 ईयर ऑफ एंड्रॉइड अपडेट मिलते हैं। उसके अलावा डिस्प्ले डिजाइन और बैटरी बैकअप का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन मिलता है। इस सेगमेंट में आपको सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन वाला स्मार्टफोन देखने को मिलता है। उसके अलावा CMF की तरफ से भी CMF Phone 1 लॉन्च हुआ है, तो आज की वीडियो में उसको भी कंपेयर करेंगे। इस फोन को यूज करते हुए हमें 15 दिन से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है और आज की वीडियो में मैं अपना इस 15 दिन का फुल रिव्यू इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। उसके अलावा इस फोन में 16,000 इन्वेस्ट करने के बाद भी आपको बॉक्स में चार्जर नहीं मिलता है। उसके अलावा सिर्फ 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिलती है। उसके अलावा सिंगल स्पीकर का सपोर्ट दिया हुआ है, NFC का भी सपोर्ट नहीं दिया हुआ है। तो आज की वीडियो में उसी के बारे में भी बात करेंगे, क्या आपको इस सेगमेंट में कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट वैल्यू फॉर मनी देता है और ये फोन कहाँ स्टैंड करता है। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिजाइन की बात करें, उससे पहले शॉर्ट अनबॉक्सिंग की बात करें तो इसमें आपको अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस नॉर्मल देखने को मिलेगा, क्योंकि बॉक्स में सिर्फ आपको स्मार्टफोन और टाइप सी केबल देखने को मिलती है। उसके अलावा डिजाइन की बात करें तो डिजाइन तो इसकी प्राइस के हिसाब से बहुत ही बढ़िया दी हुई है। इसकी डिजाइन थोड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपको बैक साइड प्लास्टिक की और फ्रेम भी प्लास्टिक की दी हुई है, लेकिन ये फोन एक बॉक्सी डिजाइन के साथ आता है जिसके कारण आपको ये फोन बहुत ही अच्छा प्रीमियम फील देता है। उसके अलावा 200 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। बिल्ट इन डिजाइन के मामले में तो सैमसंग ने इस फोन में बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। इस फोन में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम देखने को मिलती है जो की है इसकी बड़ी पेजर्स। तो चलो अब बात करते हैं डिस्प्ले की। डिस्प्ले तो सैमसंग के हर एक फोन में आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिलती है, वही सेम इस फोन में भी आपको 6.5 इंचेस की 90 हर्ट्ज की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। सैमसंग की डिस्प्ले की क्वालिटी और कलर्स बहुत ही अच्छे निकल के आते हैं। 800 नीट्स की पीक ब्राइटनेस भी देखने को मिलती है। उसके अलावा YouTube पे मैक्सिमम 1440p का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसमें Netflix में HDR का सपोर्ट नहीं है, लेकिन क्वालिटी और कलर के मामले में तो ये फोन की डिस्प्ले बहुत ही अच्छी है। अगर आप वीडियो के इस पार्ट तक आ चुके हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके अलावा परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें आपको One UI 6.1 Android 14 के साथ देखने को मिलता है। उसके अलावा प्रोसेसर में आपको MediaTek की तरफ से MediaTek Dimensity 6100 Plus प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि 4 नैनोमीटर पर बेस्ड है। उसके अलावा परफॉर्मेंस के मामले में तो सैमसंग ने इसमें एक बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है जो कि इसमें आपको Exynos का प्रोसेसर नहीं दिया हुआ है। MediaTek का प्रोसेसर आपको बहुत ही अच्छा ऑप्टिमाइज देखने को मिलता है। इस प्रोसेसर के कारण आपको ओवरहीटिंग का भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। नॉर्मल से हाई टास्क के दौरान भी ये फोन ओवरहीट नहीं होता है। उसके अलावा एंटूतू स्कोर सिर्फ 4 लाख मिलता है। इसी कैटेगरी में CMF का जो फोन आता है उसमें आपको 6.5 लाख तक एंटूतू स्कोर मिलता है जो इस फोन के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छा निकल के आता है। ये फोन एक डेडिकेटेड गेमिंग फोन नहीं है। इस फोन को आप डे टू डे यूज या फिर थोड़ा हाई एंड टास्क करोगे तो अच्छा परफॉर्मेंस देगा, लेकिन हाई FPS में BGMI या फिर अदर कोई गेम खेलना चाहते हो तो वो आपको इस फोन में नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको पोको या फिर अदर कोई स्मार्टफोन ब्रांड की तरफ जाना पड़ेगा। उसके अलावा ये 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आता है जिसमें रैम ऑप्टिमाइजेशन भी बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है। उसके अलावा बैटरी की बात करें तो 5000mAh की बड़ी बैटरी और 25W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है। ये एक बजट कैटेगरी का फोन होने के बावजूद भी सैमसंग ने बॉक्स में चार्जर नहीं दिया है। सैमसंग को बॉक्स में चार्जर देना चाहिए था। इसमें आपको 50+5+5 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। उसके अलावा फ्रंट साइड पे 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया हुआ है। कैमरा के आउटपुट की बात करें तो इसका कैमरा एक डिसेंट क्वालिटी का है क्योंकि बहुत ही अच्छी हाई क्वालिटी वाली फोटो नहीं मिलती है। उसके अलावा वीडियो रिकॉर्डिंग में भी सिर्फ आपको 1080p 30fps का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसी कैटेगरी में CMF में आपको 4K 30fps का ऑप्शन दिया हुआ है। इसके अलावा फोटो क्वालिटी की बात करें तो वो एक डिसेंट अच्छी खासी लाइटिंग कंडीशन में आपको ठीक ठाक फोटो मिल जाती है। उसके अलावा लो लाइट की बात करें तो उसमें फोटो इतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है। आउटडोर कंडीशन या फिर आर्टिफिशियल लाइट में ये फोन ठीक ठाक फोटो ले लेता है। उसके अलावा कैमरा में फीचर्स की बात करें तो वो ठीक ठाक देखने को मिल जाते हैं। इसमें एक सैमसंग की तरफ से एक डिसेंट क्वालिटी का कैमरा दिया हुआ है। अगर आप एक कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हो तो इस फोन को आप स्किप कर सकते हो। उसके अलावा वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो जिसमें सिर्फ 1080p 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो। आउटडोर में आपको ऐसी वीडियो क्वालिटी देखने को मिलती है जो कि देखने से तो 1080p 30fps में एक नॉर्मल वीडियो क्वालिटी है और माइक्रोफोन भी इसी फोन का यूज हो रहा है।
तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से सैमसंग गैलेक्सी A15 5G स्मार्टफोन का छोटा सा रिव्यू। इस फोन को यूज करते हुए 15 दिनों में मुझे इसमें कोई मेजर प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है। इसमें आपको परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो तो आपको परफॉर्मेंस के मामले में भी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। उसके अलावा कैमरा की बात करें तो कैमरा भी एक डिसेंट क्वालिटी का है, लेकिन इस फोन के मेन हाइलाइटेड फीचर की बात करें तो वो है इस फोन की डिजाइन, डिस्प्ले और इसका यूजर एक्सपीरियंस। इसमें आपको फुल फ्लेजेड वन यूआई देखने को मिलता है, जिसमें आपको लेटेस्ट वन यूआई 6 देखने को मिलता है, और इसमें आपको 5 ईयर ऑफ सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा, तो आपको फ्यूचर में भी 5 ईयर तक लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट देखने को मिलते रहेंगे। तो दोस्तों इस फोन को फाइनल कंक्लूड करें तो ये फोन डिजाइन, डिस्प्ले और थोड़ा कैमरा का अच्छा कॉम्बिनेशन देता है। उसके अलावा बैटरी बैकअप और सॉफ्टवेयर अपडेट के मामले में तो ये फोन इस कैटेगरी में सबसे आगे है। तो आज की वीडियो